हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का अगला चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा खास बात क्या है, देखो अभी हमने जब 9th क्लास में इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने उसके नाम की कुछ हेडिंग ऐसी दी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने कुछ इस तरीके का नाम पढ़ा था। तो भैया 10th क्लास में इसी चैप्टर में इन्होंने पेयर क्यों लगा दिया? तो अब हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था ना, वो बेसिकली हमने सिर्फ एक इक्वेशन के रिगार्डिंग पढ़ा था। जैसे अगर एक एग्जांपल दो आपको, तो हमें याद है कुछ हमने इस तरीके का सवाल पढ़ा था 3x + 5, हमने ज्यादा से ज्यादा एक इक्वेशन बनाई थी, उसके बाद हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकली फॉर्म में शो कराया था। हमने बस यही पढ़ा था, या फिर जब हम वर्ड प्रॉब्लम में देख रहे थे तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता था, पहले क्वेश्चन को समझना, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को बनाना और फिर इसे ग्राफिकली फॉर्म में दिखाना। लेकिन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाने से बाद ये क्या नया बन जाता है चैप्टर? तो माय फ्रेंड्स, इस चैप्टर में खास बात ये है कि अभी तक हमने सिर्फ वन इक्वेशन में डील करी थी, अब हम दो इक्वेशन पेयर यानी कि टू, हम दो इक्वेशन को साथ में कैसे डील करेंगे। मतलब अभी तक हम सिर्फ एक इक्वेशन बना रहे थे, अब हमारी दो इक्वेशन होगी। सपोज करो एक इक्वेशन ऐसी है, दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। अब हम इन दो इक्वेशन को प्लॉट करके और दोनों के सॉल्यूशन निकालना भी सीखेंगे। इस चैप्टर सबसे लंबा है, लेकिन जो ये बच्चे इस साल 10th में है उनके लिए कुछ सिलेबस में कमी हुई है, हम उस पर भी ध्यान देंगे। मैं उन टॉपिकों को भी कराऊंगा, लेकिन उन्हें कराने से पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि ये टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है या नहीं है। एक बात और, ये सिर्फ वन टाइम मेजर है, मतलब ये सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए अप्लाई है, अगली साल से जो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है वो दोबारा एड अप हो जाएंगे। चलो फिर, तो सबसे पहले जो हमने 9th में सीखा था एक बार उसका रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने? हमने इक्वेशन को प्लॉट करना सीखा था। तो सबसे पहले जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, ax + by + c = 0। साथ में कंडीशन क्या थी कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, कंडीशन एक ये थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ए और बी जो है नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। हमने ये दो जनरल इक्वेशन जब हम 9th क्लास में थे तब हम डिस्कस कर रहे थे, और ये दो कंडीशन भी हमने उस टाइम पे पढ़ी थी, ठीक है। ये शायद 10th में भी मेंशन होगा, जब आप इसको वन लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दो कंडीशन भी मिलेंगी। चलो फिर हम अब एक बार ग्राफ प्लॉट करके भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली एक इक्वेशन में वेरिएबल में शो करते थे और दूसरा अपने आप आ जाता था, मतलब एक की वैल्यू पुट कर देते थे लेट x इक्वल टू 1 और फिर हम दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लेते थे। कैसे देखते हैं, चलो। तो हमने ये इक्वेशन ली है लेट x इक्वल टू 1, तो जब मैं x को 1 ले रहा हूं तो मेरा 3y = 5 - 2, मेरा y भी 3 आ गया, मतलब एक पॉइंट आ गया। इसी तरह मैं अगर y को 0 ले लूं तो मेरा x कितना आ जाएगा, 2x + 3 × 0 = 5, 2x = 5/2, मतलब 2.5, ठीक है। अब अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा तो प्लॉट करना भी देखते हैं, x y 0 और हमने दो पॉइंट निकाले थे, एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए प्लॉट करने में। x y, जब मैंने x को 1 माना तो मेरा y भी 1 आया, और जब मैंने x y को 0 लिया और x मेरा कितना आया 2.5। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो कैसे होगा देखते हैं, 1 1 2 और 2.5 यहां ले लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी। तो सबसे पहले 1 1 कुछ इस फॉर्म में यहां रुक रहा होगा और 2.5 यहां होगा, तो जो इसकी इक्वेशन होगी कुछ इस फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। मैं ये स्ट्रेट लाइन क्यों कह रहा हूं,
हमेशा याद रखना माय फ्रेंड्स कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब जो हाईएस्ट डिग्री या फिर जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमेशा वन होगी, और जब किसी भी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर वन होती है इसका मतलब क्या है कि उसके मैक्सिमम सॉल्यूशन वन है, ये हमेशा माइंड में रख के चलना। और दूसरी बात, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। हमने अभी इससे पिछले चैप्टर में कुछ बात करी थी पैराबोला, और उसमें हम कुछ इस तरीके से बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जितनी बार ये कर्व कट करेगा एक्स एक्सिस को हमारे उतने ही सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो मेरा ये पॉइंट बताने का मतलब यही था कि ग्राफ की शेप जो हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो वो इसी बात को बताने में मदद करती है कि हमारी इक्वेशन कैसी है। अभी तो ये अलजेब्रिक फॉर्म में था तो हमने बता दिया भाई सबकी हाईएस्ट पावर वन है, मतलब इसके एक सॉल्यूशन पॉसिबल है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन कई बार हमें ग्राफ दे के पूछ ले कि भाई बताओ इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था कि जितनी बार हमारा एक्स एक्सिस को काटेगा हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट, अगर इक्वेशन एक्स के टर्म्स में हो, जैसे कुछ इस तरीके से वाई इज इक्वल टू 3x² + 4x + 5 कुछ इस तरीके की इक्वेशन हो, तब जो है ग्राफ हमारा हम इसमें चेक करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, ठीक है। और अगर इक्वेशन वाई की टर्म्स में हुई तो अब हम चेक करेंगे कि वाई एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, क्लियर है। इसी तरह अगर कोई और वेरिएबल दिया जाए तो हम उसे भी इसी तरीके से चेक करेंगे। चलो ये तो बहुत सिंपल सा था, अब आ जाते हैं 10th क्लास में हमें करना क्या है, कैसे। देखो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 डाल के देखी तो हमारे को क्या मिला, चेक करते हैं। मैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल की वैल्यू अज्यूम करके चल रहा हूं, तो 3 × 1 = 5, 2 + 3 = 5, 5 = 5, मतलब LHS और RHS बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है, 1,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 5, मतलब 1,1 इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह कोई और नंबर डाल के चेक कर लेते हैं कैसे, चलो देखते हैं। इस बार हम लेते हैं x = 0 और y को हम ले लेते हैं, इसको भी 0 डाल लेते हैं। हमेशा याद रखना मैंने a और b को बोला है नॉन जीरो, मतलब जो इसकी कॉफिशियंट है ना x और y के, उनको मैंने कंडीशन बोली है कि कभी भी a और b या फिर कॉफिशियंट ऑफ x एंड कॉफिशियंट ऑफ y जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। x और y हो सकते हैं, तो जब ये जीरो जीरो होंगे तब मेरा क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है, ये तो मेरा पूरा जीरो हो गया। तो LHS RHS तो बराबर ही नहीं हुए, मतलब क्या है कि 0,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y = 5, मतलब क्या है कि जब मैंने 0,0 डाल के देखा तो मेरा LHS और RHS इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि 0,0 एक सॉल्यूशन नहीं है 2x + 3y = 5, ठीक है, ये सॉल्यूशन तो है नहीं। अब क्या हमें हर बार ऐसे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, हम रैंडमली वैल्यू पुट करते रहेंगे और देखते रहेंगे किस पे LHS RHS बराबर हो रहा है, तो नहीं। इसके हम कुछ मेथड डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूशन निकालने के कितने मेथड पॉसिबल है और हम कितनी आसानी से कौन से मेथड से कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ ये इंट्रो दे रहा हूं कि हम कैसे कैसे डील करने वाले हैं, ठीक है। आज भी हम इस वीडियो में आगे अब इसी बात को ग्राफिकली देखेंगे, सिर्फ एक में नहीं, अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे, उसके लिए एक केस स्टडी एग्जांपल लेते हैं फिर उस पर बात करेंगे। चलो फिर दो पेयर ले लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो मैं कुछ रैंडमली इक्वेशन ले रहा हूं, दो पेयर 2x + 3y = 5, ये तो पुराना एग्जांपल हो गया। चलो एक और वेरिएबल अटैच कर लेते हैं x + y = 10, ये दो पेयर ले लिया, कुछ भी आप एक एग्जांपल बना सकते हो। कैसे, सपोज करो दो भाई हैं जो एक ही शॉप पे गए और एक ने दो पेंसिल खरीदी, एक ने तीन पेंसिल खरीदी, सॉरी तीन पेन खरीदे और इक्वल टू 5 उनका उसने टोटल पेमेंट करी, ठीक है, चाहे तो आप 50, 100 कर लो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। इसी तरह
छोटे भाई ने एक पेन खरीदा, एक पेंसिल खरीदी, उसने 10 रुपए दिए, या कोई और ले लीजिए कि उसने रजिस्टर खरीदा, एक कॉपी खरीदी, उसे 10 रुपए पे करने पड़े। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जरा। सबसे पहले देखो कि इस इक्वेशन के दो पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है। कैसे? पहला कि ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों के जो ग्राफ बनेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन लीनियर है, तो इनके ग्राफ कुछ ऐसे पॉसिबल है, मतलब दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि दोनों के दोनों पैरेलल चले जाए, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों दोनों एक ही लाइन पर लाई करें, मतलब कोइंसिडेंट हो, ठीक है। अब इन्हीं तीन केसों पे हम ये बात डिस्कस करने वाला। पहला, इंटरसेक्ट ईच अदर, दूसरा पैरेलल लाइन, और तीसरा कोइंसिडेंट ईच अदर, ठीक है। हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो हम निकालेंगे कैसे भैया? उसी मेथड से जो अभी आपने बताया था, लेट एस इज इक्वल टू ये। तो नहीं, हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे हमने 9th क्लास में मेथड पढ़ा था, हम उन्हीं मेथड पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे? देखो, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं ये वाली पहली इक्वेशन, और यहां पे सॉल्व करता हूं दूसरी इक्वेशन। तो देखो, जब मैंने, हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एक्स की टर्म, वाई की टर्म्स में बना लेते हैं। 5 - 3y, एक्स इज इक्वल टू 5 - 3y अपॉन में 2। इससे करने का मेरा बेनिफिट क्या हुआ? अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं y की वैल्यू कुछ भी लूंगा, मुझे x की वैल्यू मिलती जाएगी। कैसे? देखो, अगर मैं x y 0 ले लूं तो x क्या बचेगा? जब मैंने y 0 लिया होगा तो x की वैल्यू क्या बनेगी? 5 - 0 अपॉन में 2, 3 × 0, 0 हो गया होगा, 5 / 2। तो x की वैल्यू आती है 5 / 2। अब जब मैंने y 1 लिया होगा, तो अभी हमने पहले सॉल्व किया था, x की वैल्यू क्या होगी? 1। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा करो, x 0 ले लो, तो जब आपने इसे 0 लिया होगा तो y की वैल्यू आई होगी 5/3, ठीक है। ये बस मैं प्लॉट करने के लिए हेल्प कर रहा हूं। दूसरा, इसको भी हम ऐसे करते हैं, 10 - y, ठीक है। आप चाहे तो x की टर्म्स में बना सकते हैं, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूं करना कैसे है। y अपॉन, तो जब मैंने x 0 लिया तो y 10 हो गया होगा, जब मैंने y 0 लिया तो x 10 हो गया होगा। ये दो मेरे पास टेबल बन गई है। अब ये दोनों टेबल मुझे हेल्प कैसे करने वाली है, तो जरा इनको प्लॉट करके देखते हैं। दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना, ठीक है। तो देखो, इसका मार्जिन बैठा हुआ 1.3, ये 2.5, और ये 10-10 है। तो हम क्या करते हैं, मार्जिन हम दो दो का लेके चलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो सबसे पहले ये x प्लस 10 वाली इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी कौन सी, x प्लस 10 वाली, ठीक है, सॉरी x प्लस y इज इक्वल टू 10। ये तो मेरे होगी ये वाली इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। ये मैंने सबसे टिपिकल इसीलिए बनाई है बिकॉज कई बार हमें फ्रैक्शन में ही सॉल्यूशन मिलते हैं। बुक में मोस्टली आपको बहुत ही सिंपल मिलेंगे, लेकिन कई बार सवाल जब आप RDRS करोगे तो मोस्टली सवाल में, या फिर जिसे हम टिपिकल सवाल कहते हैं, उसमें कई बार ऐसी वैल्यू आपको मिलेगी। तो देखो, जब मैंने y 0 लिया होगा तो x की वैल्यू आई होगी 2.5, तो 2.5 समवेयर यहां लाई कर रहा हुआ, ठीक है। और मेरा जब मैंने x 0 ले लिया होगा तो y की वैल्यू आ रही है 5/3, मतलब कुछ इस तरीके से यहां पॉइंट लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो जब मैं इनको प्लॉट करूंगा तो कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा है। क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल है? नहीं। क्यों? बिकॉज यहां का गैप अगर आप अपने आंखों से देखोगे और यहां का गैप देखोगे तो ये दोनों गैप कभी बराबर नहीं है। कैसे? अगर इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे ना, और इसको भी आगे बढ़ाओगे, तो समवेयर ऐसा पॉइंट एक आएगा जहां पे ये दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही होंगी।
ये बस समझाने के पर्पस से बता रहा हूँ, कहीं आप अपने पेपर में मत बनाने लगना कि सर कॉपी छोटी हो गई है, भैया कॉपी छोटी हो गई है, ये सिर्फ मैं समझाने के पर्पस से यहाँ बता रहा हूँ। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, होंगी पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर रही है। तो जहां पे देखो ये दोनों के दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बराबर तो है नहीं, मतलब पैरेलल लाइन तो होने से रही और एक दूसरे के ऊपर लाई भी नहीं कर रही, मतलब कोइंसिडेंट भी नहीं है। तो बचता कौन सा हमारे पास, पहला केस, मतलब बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में कुछ इसी तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट प्रॉब्लम कहां आती है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम बनाई है या हम कहें तो एक केस स्टडी दिया है। आपको पहले समझना है, फिर आपको जो यही मैंने को दो इक्वेशन बनाई थी ना 2x + 3y, ये तो मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर ली थी, उन दोनों को समझ के आपको एलजेब्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर उनको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करना होगा, चलो उसे भी देख लेते हैं। तो मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, एक्सरसाइज फर्स्ट 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन अभी दिख जाएगा आपको, हम देखते हैं कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द इक्वेशन सिचुएशन एलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज ₹x। ठीक है, और इसी तरह द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज ₹y। ये दोनों वेरिएबल हमने एज्यूम किए हैं। पहले याद है आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सवाल डिस्कस किया था जिसमें 2x + 3y, तो x और y किसको डिनोट कर रहे हैं, मैंने वहां नहीं बताया था, बस मेरे को वहां पे आपको ग्राफिकली समझाना था, लेकिन यहाँ पे मुझे आपको पहले एलजेब्रिकली समझाना पड़ेगा, फिर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों वेरिएबल एज्यूम कर लिए हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x मान लिया, इसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स हमने y मान लिया। तो पहला पार्ट क्या बोला है कि अब यहां पे सिंपल सा लिख दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + y इज इक्वल टू ₹160। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद प्राइस चेंज हो जा रहा है, प्राइस क्या बन जाता है, 4x + 2y इक्वल टू ₹300। मतलब कि जब मैं अभी खरीद रहा हूं 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स होंगे इतना प्राइस पे करना पड़ रहा है, लेकिन आफ्टर अ मंथ प्राइस जब चेंज हो रहा है और जब मैं 4 kg एप्पल खरीद रहा हूं और 2 kg ग्रेप्स खरीद रहा हूं तो मुझे इतना पे करना पड़ रहा है। तो इस ये तो हमने एलजेब्रिकली इक्वेशन बना ली, अब इसको हमें सॉल्व भी तो करना पड़ेगा क्योंकि उसने हमें एलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली भी बोला है, इसे हम कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको 2x + y, ये मैं कराने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, अब से आप समझ सकते हैं कि लाइन पैरेलल हो तो इंसिडेंट होगी या नहीं होगी। कैसे, देखो ₹300, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल मान लो कुछ भी, ठीक है, मैं डायरेक्ट टेबल बना रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो एक्स वाई, एक्स मैंने जीरो लिया, वाई मेरा कितना हो गया होगा 160, जब मैंने वाई को जीरो लिया होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई होगी, ये कुछ ऐसा बना होगा 2x = 160 / 2, मतलब 80। तो देखो हमने इस तरीके से इस वाली इक्वेशन का
एलजेब्रिकली सॉल्यूशन को निकाल लिया। अब बिल्कुल सेम मेथड से हम करेंगे अपनी दूसरी इक्वेशन, मतलब आफ्टर अ मंथ जो हमने एक्सपेंडिचर बना था उसका कैसे करेंगे। तो जब मैं इसके सॉल्यूशन करूंगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो देखो। जब मैंने x की वैल्यू जीरो ली होगी तो ये पार्ट जीरो हो गया होगा, बचेगा ये 2y, तो 2 से जब डिवाइड हुआ होगा तो मेरा 150 आया होगा, और जब मैंने y जीरो लिया होगा तो ये पार्ट बचा होगा, मतलब 75। ये मेरा कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन बना होगा, ठीक है। चलो फिर ये तो बड़ा सिंपल सा पार्ट हो गया कि एलजेब्रिकली हमारी ये एलजेब्रिक हमने यहां खत्म कर दिया। एलजेब्रा वाला पार्ट जो है एलजेब्रिकली दिखाना वो यहीं पे खत्म हो गया हुआ, इक्वेशन बनाना। अब जो हम इससे आगे बढ़ रहे हैं ना, मतलब ये जो हम निकाल रहे हैं, अब हम ज्योमेट्रिकली दिखाने के और बढ़ रहे हैं, देखो ठीक है। चलो फिर अब हम इसकी ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कैसा ग्राफ इसका पॉसिबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ, तो देखो सबके सब मल्टीपल्स में है, 10 के तो है ही है, ठीक है। तो अगर मेरे को गैप लेना हो तो मैं कितने का गैप लूंगा, हम लेते हैं गैप 20 का, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फिर एक सौ साठ है गैप, थोड़ा और छोटा कर लेते, ये मेरा गैप हो गया। अब इसी तरह हम आरएच अपने ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। चलो फिर अब हम प्लॉट करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का एक्स जीरो, वाई मेरा 160, y मेरा 0, x मेरा 80, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ, तो इसमें जो है मेरा ये x मेरा 0, तो y मेरा कितना है 150, तो y कहाँ है मेरा 150, तो समवेयर इन दोनों के बीच में लाएगा, क्योंकि हम मैंने गैप 20 का लिया है, और जब मेरा y 0 है तो x मेरा 75 है, मतलब 70 यहां होगा, समवेयर यहां लाई कर रहा होगा। तो जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ना तो पैरेलल होगा ये, सॉरी, ना तो ये पैरेलल होगा और ना ही ये इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी, ना ही ये कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि गैप देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो जहां पे जाके ये मीट कब करेगा ना, या जहां जाके ये मिलेगा, तो ये उसी का सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। हमको इस तरीके से ये दिखा देना है, और क्या लिखोगे आप इस सॉल्यूशन में, कि बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। हमें दिखाना नहीं है कहां इंटरसेक्ट करना है, हमें सिर्फ बताना है ज्योमेट्रिकली ग्राफ कैसे दिखेगा। उसके देखने के बाद जब आप इसके, क्योंकि यहां पे मैंने कोई स्केल की हेल्प से, बस इसे मार्कर की हेल्प से बनाया है, जब आप इसे कॉपी में बिल्कुल सेफ बनाओगे स्केल और पेंसिल से, तो आपका ग्राफ मेरे से तो 100% एक्यूरेट ही होगा, ठीक है। और इसे बनाने के बाद आपको जब आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि इस तरफ से नहीं तो इस तरफ से ये लाइन आपस में मिल रही है, तो वहीं से आप इंटरप्रेट निकाल लोगे कि ये जो दोनों ग्राफ है वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। चलो ये तो बात हो गई हमारी समझाने वाली, ठीक है। ये इसी तरीके से आपके सभी सवाल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे पहली एक्सरसाइज के, कि सिर्फ हमें एलजेब्रिकली दिखाना और ज्योमेट्रिकली दिखाना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज जब आप 11th में आओगे और आपको पैराबोला और ये बोल बनाना होगा, तब आपको इसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, ठीक है। इसी की तरह जब हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे ना कि मीडियन या फिर दो पॉइंट के बीच के गैप, या फिर हम एक्सेसिस में ज्यादा ग्राफ बना रहे होंगे, तब मैं आपसे इसी तरीके से सवाल इंटरप्रेट करेंगे। चलो ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही बात कर दी आगे की, तो अभी इतना परेशान मत हो,
अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसकी आप इंपॉर्टेंस समझे, सिर्फ मार्क्स की पर्पस से मत जाए, मार्क्स के हिसाब से मैं अगर बताता हूँ इस टॉपिक को, तो इस पूरे चैप्टर में से केवल एक क्वेश्चन उठ के आएगा जो कि 5 या 6 या फिर 4 नंबर का होगा, मतलब जो भी मैक्सिमम मार्क्स का आपके बोर्ड में होगा, सीबीएसई में तो आई थिंक 4 नंबर का मैक्सिमम सवाल होता है, तो ये सवाल एक ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा की आप इससे उम्मीद मत करना, ठीक है। चलो फिर अब हम आगे कल आगे के धीरे धीरे वन बाय वन मेथड पढ़ेंगे। चलो थैंक यू।